चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना है, जो कि जीवन में भी इम्पोर्टेंट है और AKTU के एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली BTech सेकेंड ईयर वालों के लिए। संयम और स्वास्थ्य, तो एक टॉपिक है संयम और स्वास्थ्य। संयम इंश्योर्स स्वास्थ्य। तो संयम पहले समझते हैं कि संयम क्या है। संयम में क्या होता है कि एक तरह की फीलिंग आ है, जो कि बताती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी। हमारी जो आई है, वो आई या कॉन्शसनेस है, वो किस तरह से शरीर के प्रति जिम्मेदारियों का वहन करता है, महसूस करता है जिम्मेदारियों को, तो वो कहलाता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई टूवर्ड्स द बॉडी। तो इसी को कहा जाता है सेम। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या जिम्मेदारियां शरीर के प्रति हो सकती हैं, आप सोचिए जरा। तो उसमें क्या है कि जैसा कि मानो मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, जो आई या फीलिंग बेस्ड पार्ट है और एक बॉडी या मटेरियल बेस्ड पार्ट है, उसके बीच में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान होता है, को एग्जिस्टेंस साथ में पाया जाना होता है, उस दौरान इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो आई के द्वारा इंस्ट्रक्शंस होते हैं बॉडी को, और बॉडी उसको फॉलो करके उसको काम को कंप्लीट करने के बाद आई तक उसको बताती है कि ये चीज़ कंप्लीट हुआ। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जो मैंने कही, वो आई के लेवल पे बॉडी के प्रति कैसे होगी। इसमें क्या होगा कि जो आई है, वो शरीर के प्रति, जैसे कि शरीर से संवेदनाएं, सेंसेशंस उठते हैं, वो सेंसेशंस बताते हैं कि शरीर में को इस समय क्या जरूरी है, तो उनको प्रॉपरली रिसीव करना और उसी हिसाब से बॉडी को एक्टिवेट करके उनको इंस्ट्रक्शन देना कि उस पे कार्य करें, जो कि शरीर के लिए जरूरी है। तो शरीर के लिए जरूरी क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन, नर्चरिंग जिसको कहेंगे, और पोषण, और दूसरा है कि प्रॉपर शेल्टर और प्रॉपर प्रोटेक्शन, और साथ में शरीर का सदुपयोग। तो ये अगर हम इस तरह से शरीर के प्रति कर रहे हैं, तो ये हमारा शरीर के प्रति संयम कहलाएगा। तो जो संयम है, वो एक तरह से आई के लेवल पे होता है, और ये हमें शरीर के प्रति करना होता है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी इज कॉल्ड एज संयम, फॉर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो अब इसके आगे का जो एक डिटेल है कि प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस में बेसिकली इसको तीन पार्ट में कर सकते हैं। तो एक तो पार्ट है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, नर्चरिंग में, पोषण में क्या क्या आएंगे शरीर के लिए। तो प्रॉपर फूड हो, डाइजेस्टिबल फूड खाना, समय पे खाना, और उसको तरीके से खाना, और साथ में जो भी खाना खाया है उसका प्रॉपर एक्सक्रीशन होना, एक्सक्रीट आउट होना, शरीर से उत्सर्जन होना। तो ये सब पोषण की क्रिया का पार्ट होगा। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में चलते हैं, जो दूसरा प्रोसेस है, उसमें हमें ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी में हम पहले तो प्रॉपर क्लोथ पहने शरीर के लिए, जो जरूरी हो, मौसम के अनुकूल हो, साथ में शेल्टर प्रॉपर हो, हमारा रहने का स्थान सही हो, साफ सुथरा हो, हवा प्रॉपर एरिएशन हो, सनलाइट हमें बॉडी को मिले, तो इस तरह का शेल्टर हो तो सही होगा। साथ में हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, और कैसे साथ, तो साथ में फिर एक और चीज़ है कि हम किस तरह से बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए और भी उपाय करते हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको प्राणायाम कहते हैं, और दूसरा है आसन। तो आसन में हम डिफरेंट पोजीशंस का यूज़ करते हुए बॉडी को किक का मूवमेंट करते हैं, जिससे कि बॉडी के पार्ट्स स्वस्थ रहें। तो इस तरह से है, साथ में प्रॉपर मेडिकेशन लेना और
विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, तो जब पर भी शरीर की जरूरत होती है, तो ये पार्ट इतना पार्ट प्रोटेक्शन में आता है। तीसरे पार्ट में शरीर का सदुपयोग करना, कि शरीर जो कि हमें मानव का जो शरीर है उसको किस तरह से, अपने शरीर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, अपने जो भी एक्टिविटीज़ है उसको ऐसा रखना है जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो, जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए और सब लेवल पे एक व्यवस्था को कायम करने में हेल्प करे। कहीं ना कहीं जो हम अपने दैनिक जीवन में इधर उधर उलझ जाते हैं क्वेरलिंग में या झगड़े लड़ाइयों में और वाद विवाद में, तो वो उसमें ना पड़े, तो शरीर का सदुपयोग हो पाएगा किन कार्यों के लिए, जो हमारी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं क्या हैं? सुख और समृद्धि। तो सुख के लिए जो हम अपना रिलेशन, अपने डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन है उसके थ्रू हम अपनी सही समझ का यूज़ करते हुए, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है उसका यूज़ करते हुए, समझ का यूज़ करते हुए अपने डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन को प्रॉपर रखें, जिससे कि हम अपना ह्यूमन बीइंग से जो रिलेशन है वो प्रॉपर मेंटेन कर पाएँ। साथ ही साथ दूसरी चीज़ है कि हम अदर लेवल पे भी कार्य करें, जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको आइडेंटिफाई करें अपनी समझ को विकसित करते हुए। तो इस तरह से हमारी जो वो इस तरह से हमें जो दैनिक जीवन के लिए, जो जीने के लिए चाहिए शरीर की आवश्यकताएं हैं वो भी हमें मिलती रहे। कब मिलेंगी? जब हम उनका प्रॉपर प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें। तो प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन रखने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, समृद्धि के लिए हमें भौतिक साधनों की जरूरत होती है और साधनों को दोबारा भी हमें जीवन में जरूरत पड़ती है, इसलिए उनका दोबारा से प्रोडक्शन भी इंश्योर करना होता है। तो इस तरह से बॉडी का यूज़ करना कि बॉडी प्रॉपरली ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज में को इंट्रोड्यूस करने में, उसको जो है क्रिएट करने में लगा है, जिससे कि हमारे जो फिजिकल नीड्स हैं वो पूरी हों और फ्यूचर में भी पूरी हो सके। तो इस तरह से शरीर का सदुपयोग करना। तो आई होप कि मैंने प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा फॉर द संयम, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिए, देखिए, क्योंकि हर बार लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता है फॉर AKTU स्टूडेंट्स, स्पेशली BTEC सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। थैंक यू। चैनल को लाइक करें। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियोस के भी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।